ठीक है सर। तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं टैबलू, टैबलू डेस्कटॉप में डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट हम दो टॉपिक, एक टॉपिक कंप्लीट किया डेटा कनेक्ट पीडी, और फिर कल हमने बताया था क्या डेटा के ऊपर किस तरह से डेस्कटॉप से विजुलाइजेशन किया जाए। तो चलिए उसी को कंटिन्यू करते हैं। जैसे हम माइक्रो एक्सेल में गए और मान लीजिए कि एक डेटा सेल्स का हमने लिया, छोटा डेटा है ताकि छोटे डेटा में इफेक्ट आपको ज्यादा समझ में आए। डेटा हमारा कनेक्ट हो गया, उसके बाद हम बात कर रहे हैं यहाँ सीट के ऊपर जाते हैं। तो सीट के ऊपर जाते ही डेटा को ऑटोमेटिकली क्या करता है वो ये देख लेता है कि आपके डेटा में क्या है। ये आपका नेम है जी, मेजर्स है, और सिटी पे दिख रहा है, यहाँ पे आपको एबीसीडी दिख रहा है डेटा टाइप, क्योंकि कैरेक्टर्स है इस पे, हैश इट मीन नंबर्स है, राइट। उसके बाद इसने सिटी ले लिया, क्योंकि इसमें सिटी था मतलब कि ज्योग्राफिकल डेटा था, सिटी ले लिया, और जैसे सिटी लिया उस सिटी का लैटिट्यूड यहाँ पे आपको दिख गया, ठीक है, ऑटोमेटिकली उसने जनरेट कर दिया जी, राइट। अब इसमें मुझे मान लीजिए कि रिपोर्ट लेनी है, तो मैं नेम और हम यहाँ पे एमआरपी, अभी हम उठा के नहीं रख रहे हैं, जस्ट हम सिलेक्ट कर रहे हैं। मान लीजिए हमने क्वांटिटी ले लिया, तो हम इसको कंट्रोल प्रेस करके दोनों पे क्लिक करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो इन दोनों को देखते हुए इतने चार्ट्स आपके एक्टिवेट हुए, तो ये विजुलाइजेशन आपके ऊपर इस चार्ट के ऊपर इफेक्ट होगा। ओके, ये आपको ड्रैग करने से पहले पता चल जाता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मैंने इस चार्ट को ले लिया, यहाँ पे क्लिक करें, तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली उसने सब जगह पर रख के आपका चार्ट बना दिया। तो यहाँ पे एक चीज आती है कि आपको खुद से रखने की जरूरत भी नहीं है, ओके। लेकिन आपका अकॉर्डिंग नहीं बन रहा है तो आप इसको रख सकते हैं। जैसे हमने नेम को रो में रखा, हमने कॉलम को प्रोडक्ट को कॉलम में रखा, एंड हमने एमआरपी का एवरेज लेना है, हमें एमआरपी यहाँ डाल दिया, तो सम ऑफ एमआरपी है, इसे क्लिक करूंगा और यहाँ पे सम है, सम की जगह पर इसको मैं एवरेज क्लिक कर लेता हूँ, तो ये एवरेज है, एवरेज फॉर्मेट टेबल फॉर्मेट, राइट सर। अब इसमें देखिए हमारे पास यहाँ पे आपके सामने दिख रहा है चार्ट नवा, तो इस तरह से हम इसको अपने हिसाब से जो हमारी जरूरत है उसके हिसाब से इसको हम यूज करेंगे, ठीक है। जो आपकी जरूरत क्या, मोटिव ऑफ एनालिसिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी जरूरत क्या है, ओके। अब मैं क्या करता हूं कि क्वांटिटी को उठाता हूं और यहां कलर में रख देता हूं, कलर में रख दिया ना सर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिख रहा है आपको कि MRP आपका 5.8 एवरेज ये है और ये आपका 3.2, में दोनों यहाँ पे दिख रहा है आपको कि इसने दोनों को यहीं पे क्वांटिटी और MRP का दोनों का टोटल अपने हिसाब से उसने बना दिया, ओके, ठीक है। मैं कंट्रोल जेड, तो देखिए ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स है, और जैसे ही क्वांटिटी को कलर्स में रखा, ये आपका नेम जो था वो हट गया, अब नेम के हिसाब से कलर नहीं हो रहा है, अब जो है इसकी क्वांटिटी की एक ही एक हिसाब से कलर है। जैसे कि यहाँ पे देखिए 208 है और यहाँ पे देखिए 130 है, तो इसके एवरेज इसने निकाल लिया कि एवरेज इसकी सेल्स के एवरेज से ऊपर जो है उसका इसने कलर चेंज कर दिया, दिख रहा है आपको जी जी, और डेटा आपके सामने। इस तरह की चीजें भी हम कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे एक और आती है, जियोग्राफिकल डेटा जिसे हमने बताया कि आपने ऑटोमेटिक रीड कर लिया, तो जियोग्राफिकल डेटा का फायदा क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने सिटी को कॉलन में रख दिया, नेम ने सिटी को रो में रख देता हूँ, रो में रख दिया, प्रोडक्ट को हमने कॉलन में रख दिया, और हम ऊपर क्वांटिटी का सम निकाल लिया, ये तो आपको टेबल डेटा आ गया। अब देखिए ज्योग्राफिकल डेटा होने के कारण आप देख रहे हैं कि आपका यहाँ पे दो ज्योग्राफिकल मैप एक्टिवेट हो गए, ठीक है। तो अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं, टाइम लगा था और इसके लिए इंटरनेट की कनेक्टिविटी होनी भी चाहिए, ओके, ठीक है जी। क्या करता हूँ,
लैंग्वीट्यूड लैंग्वीट्यूड आ गया, मैं प्रोडक्ट को यहाँ से हटा, नेम को यहाँ से हटा देता हूँ या नेम को कलर में रख देता हूँ, ठीक है। इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट सिटीज के ऊपर आप देख रहे हैं इस तरह से बना हुआ सेल्स आ रहा है, कहाँ कहाँ हमारा सेल्स हुआ है। और यहाँ से बड़ा कर सकते हैं अपने मैप को, यहाँ से बड़ा कर सकते हैं, इसने ऑटोमेटिकली दिखा दिया। हाँ, लेकिन इंटरनेट के लिए अपने सिटी को रीड किया सर इसने। हाँ, सिटी को। ओके ओके, अगर कोई ऐसी सिटी लिख दे जैसे शॉर्ट नेम्स में लिख दे तो ये नहीं, नहीं, नहीं लिखते है ना, जैसे चंडीगढ़ है तो चंडीगढ़ को सीएसटी लिख दिया, नहीं वो नहीं रीड कर पाएगा सर, नहीं रीड करेगा। राइट, ठीक है, डन, समझ आया? यस सर। तो ये आपका जियोग्राफिकल डेटा एक्टिविटी है। और यहाँ पे देखिए 7 अननोन बता दिया इसने, मतलब कि 7 को इसने एडिट नहीं कर पाया, नहीं रीड नहीं कर पाया। तो इसके लिए अगर दिक्कत है तो आपको जियोग्राफिकल डेटा का यहाँ पे देखिए लैंगिट्यूड लैटिट्यूड एंड लैंगिट्यूड आप डिफाइन। कभी कभी क्या होता है कि आपका जो सिटी है जो आप टेबल को जब आप ये करते हैं एंट्री करते हैं लेते हैं तो आप अब यहाँ पे एक चीज बताने का पर्पस आपके सामने यही था कि जब हम किसी डेटा को लिंक करते हैं तो डेटा की प्रॉपर्टी के हिसाब से वो देख लेता है कि जैसे कि इसने देखा कि ABCD है, मतलब कि टेक्स्ट ये भी टेक्स्ट है, इसे देखा कि इसके अंदर नंबर है, इतनी से हैश दे दिया, मतलब नंबर्स है, ये भी नंबर्स है, और इस पे देखा राइट इसके सिटी लिस्ट से मैच कर रहे हैं, तो देखा कि यहां पे आपके ज्योग्राफिकल है जो भी गिर गिर देता है, तो आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। कैसे? यहां पे जब इस पे आप क्लिक करेंगे तो आप सामने जैसे रिनेम आप सिटी के लगा लिख सकते हैं कि सेल्स एरिया, ठीक है जी। मान लीजिए सेल्स एरिया कर दिया लेकिन सही नहीं था, और या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि यार मेरे डेटा में सेल्स एरिया तो नहीं था, कहां से आ रहा है, तो आप इसको रीसेट जैसा था वैसे वापस आ जाएगा। ठीक है सर, इसमें हमारे पास एलाइज है, कैलकुलेटेड है, क्रिएटेड ग्रुप है, स्प्लिट है, आप यहाँ से इसका यूज कर सकते हैं। यहाँ भी सेम है, स्प्लिट में क्या रहेगा? स्प्लिट एक मिनट, स्प्लिट में इसको आप इसमें से कोई चीज आपको अलग करना है, इस पर कैलकुलेशन यहाँ पे आ गया, आपका स्प्लिट 1 है, स्प्लिट 2, जैसे नेम है, फर्स्ट है, कैलकुलेशन करके इससे पहले इस स्प्लिट के लिए देखना पड़ेगा कैलकुलेटेड, कैलकुलेशन समझना होगा, ठीक है ना। ओके, जैसे कि अब यहाँ पे देखिए क्वांटिटी और MRP है, राइट राइट, तो मैंने यहाँ पे एक क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड पे क्लिक किया, कैलकुलेट MRP, हमने बोला कि MRP मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी होना चाहिए, क्यू टी कर दीजिए फिल्ड। अब इसमें मैं यहाँ पे एडिट में इसमें एडिट कर देता हूँ उसको और बोल देता हूँ कि ये अमाउंट होना चाहिए। तो कैलकुलेशन में इसी तरह की चीज कैलकुलेशन लगा सकते हो, इसकी खुद के फॉर्मूले वगैरह भी है जिसको आप यूज कर सकते हैं। डन। उसके बाद देखिए जब भी किसी पे क्लिक करते हैं तो एक छोटा सा चार्ट दिखता है ना, चार पे क्लिक करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग डेटा आपका शॉर्ट हो जाएगा, अंडो तो बोलते हैं असेंडिंग डिसेंडिंग, हाँ असेंडिंग एंड डिसेंडिंग आपका शॉर्ट हो जाता है, ठीक है। राइट, आप एक नया फील्ड ऐड करके उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेशन को एडिट करना है तो इस पे एडिट आ जाता है, रिनेम कॉपी वैल्यू, इस वैल्यू को कॉपी करेंगे तो ये वैल्यू कॉपी हो जाएगी, फिर जहां पेस्ट करना वहां पेस्ट कर सकते हैं। हाइट अच्छा देखिए MRP आपका नहीं शो हो तो आप इस कर सकते हैं, यहाँ से वो हाइड हो जाएगा, राइट सर, और पीवट हाँ।
उसके बाद मान लीजिए कि मुझे ग्रुप करना है, राइट? तो यहाँ पे हम राइट क्लिक करके लिखते हैं क्रिएटेड ग्रुप, दिख रहा है आपको क्रिएटेड ग्रुप। अब इसमें ग्रुप में बताइए क्या क्या, हमने बोला दिल्ली को सिलेक्ट किया, और दिल्ली को सिलेक्ट करने के बाद हमने इसमें नासिक नोएडा को सिलेक्ट, और मैं सोचता हूँ गुड़गांव भी सिलेक्ट करना, गुड़गांव नहीं है इसमें, हाँ फरीदाबाद है, तो दिल्ली फरीदाबाद के साथ कीजिएगा या कंट्रोल के साथ, कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ कीजिएगा तब पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारा था नोएडा कंट्रोल के साथ, और ग्रुप का नेम तीन सिलेक्टेड है, इस ग्रुप का नाम मैं दे देता हूं दिल्ली, जी हम इसको अप्लाई करते हैं, ऐड करते हैं, तो जहां जहां देखिए दिल्ली एनसीआर आ गया, ग्रुप हो गया एक नया आ गया, जैसे ग्रुपिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। डिस्क्राइब पे आपको बताता है कि ये जो अमाउंट है वो कैलकुलेटेड है, फिल है, सम किया गया है, और स्टेटस वैलिड है, और फॉर्मूला क्या लगा हुआ है मल्टीप्लाई, इससे आपको बताया था इसमें क्या जी। और अगर मैं किसी और पे यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ भी डिस्क्राइब है, तो ये भी आपको बताया कि आखिर है क्या है, सीट की से लिया गया है, ये आपका रिमोट नहीं, इसमें इसके बारे में बाकी चीजें समझाता है। MRP इसने हाइड कर दिया क्या? हाँ हमने MRP हाइड किया है ना यहाँ पे। ओके ओके ठीक है ठीक है। अनहाइड कैसे करेंगे? एक मिनट, अनहाइड से पहले, अनहाइड से पहले देखिए, एक तो हमने यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो हमारा ऑप्शन आ रहा है ना सर, एक आप इस पे क्लिक कर रहे हैं, दिखा आपको, इस पे क्लिक करते आप यहाँ बता सकते हैं कि भाई नंबर है, इसकी डेटा टाइप भी सेट कर सकते हैं, जैसे कि नंबर है तो डेसिमल है या होल है, मान लीजिए कि डेसिमल ये आया हुआ है, अमाउंट आया हुआ है, तो मैं चाहता हूँ अमाउंट में डेसिमल ना रहे, तो इसको मैंने होल नंबर सेलेक्ट किया हुआ, डेसिमल रहेगा तो डेसिमल भी आएगा, या डेट एंड टाइम है, या डेट है, या स्ट्रिंग है, या फिर ज्योग्राफिकल होल में क्या है, एयरपोर्ट है, एरिया कोड है, जैसे आप बोलते हैं ना कि दो वर्ड लिख दो, तो आप एयरपोर्ट कोड दे सकते हैं, जैसे न्यूयॉर्क को दिल्ली को DL, ओके, तो उसको आपको यहां समझाना पड़ेगा दिस इज द एयरपोर्ट, या दिस इज द सिटी, दिस इज द कंट्री रीजन, ठीक है, या लैंगिट्यूड लैंगिट्यूड, या स्टेट है, या जिप कोड से भी इसको ले सकते हैं, ठीक है। हेलो, अब बात करते हैं, आपने अभी पूछा कि हाइट कैसे करेंगे, हाइट कैसे करेंगे, यहां दिख रहा होगा शो हिडन फील्ड, इस पे क्लिक करूंगा तो मेरा शो हिडन फील्ड आ गया, ओके तो शो हो गया नहीं है जी, ठीक है, एमआरपी दिखा रहे हैं जी, इसका यूज कर सकते हैं, तो दो चीज आप यहाँ पे एक चीज सीखा यहाँ पे कि आप सॉर्ट कर सकते हो, दूसरा चीज यहाँ पे आपने सीखा कि इसको रिनेम करना, कॉपी करना, हाइड करना, फिल को कैलकुलेट करना और स्प्लिट करना, स्प्लिट भी आगे बताऊंगा, जैसे कि मान लीजिए कि स्प्लिट में आपको फर्स्ट नेम लास्ट नेम है तो आप लास्ट जी हाँ जी हाँ जी, लेकिन उसके लिए फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, ठीक है सर, ठीक है। कैलकुलेटर ग्रुप में आपने सीखा कि आप कुछ सिटीज का ग्रुप बनाना चाहते हो तो उसको आप ग्रुप बना सकते हो, ठीक है सर, ठीक है। अब इसमें इसके बाद आपने यहां बताया मैंने आपको कि यहां से आप अपने फील्ड का नंबर्स को चेंज, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट था यही था कि आप अपना ज्योग्राफिकल रोल को चेंज कर सको,
ताकि जैसे कि आपने कोई कोड वोड डाला है तो उसको आइडेंटिफाई कर ले, एयरपोर्ट कोड होता है कि आप पिन नंबर ही होता है तो पिन नंबर को नहीं करता है जी, तो इसका यूज आप कर सकते हैं। ठीक है, इसने यूएसए के लिए अलग चीज दिया हुआ है, डिस्ट्रिक्ट वगैरह यूएसए से ले सकते हैं है। या फिर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो उसका आप लैंगिट्यूड लैंगिट्यूड आप यूज कर सकते हैं। ओके, तो अगर मैं करता हूँ लैंगिट्यूड पे तो क्या क्या करेगा, नंबर ऐसा ही रहेगा क्या, कुछ चेंज करेगा इसमें? नहीं, ऐसे ही रहे, जैसे आपने सिटी के जगह पे लैंगिट्यूड डाल दीजिए। अच्छा, वो अपने आप उठा लेगा यहाँ पे, इसके बाद इसके बाद उठाया तो यहाँ आप इस पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे ज्योग्राफिकल रोल में जाइए और यहाँ पे आपको पास आ जाएगा। उसमें नंबर नहीं था इसलिए वो नहीं शो कर रहा था। ठीक है, और दूसरी चीज कैलकुलेशन हम ज्यादा यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे डेटा में MRP तो था ही नहीं जी, तो इसलिए अमाउंट था ही नहीं, तो हम यहाँ पे अमाउंट क्रिएट कर लिया। तो अब मैं इस पे डैशबोर्ड पे जाऊंगा, मैं अब क्वांटिटी के जगह पे अपनी MRP वाले अमाउंट वाले फील्ड को शो कर सकता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये चीजें हम यहाँ कर सकते हैं। मैं इसको हटा देता हूँ। तो जैसे अब मैंने मान लीजिए कि सिटी सिटी नहीं देता हूँ, मैं यहाँ पे नेम को रख दिया, प्रोडक्ट को हमने कॉलम में रख दिया और हमने यहाँ पे अमाउंट का टोटल निकाल दिया। तो यहाँ पे अमाउंट कैलकुलेट होके यहाँ पे हमें दिख रहा है। अब इसकी विजुलाइजेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, दो मिनट। ओके सर, हेलो, समझ आ गया। अब डेटा कनेक्टिविटी और आती है सर, ये तो एक तो आपने आपको बता दिया कि किस तरह से आप अपने डेटा को कैलकुलेट कर दोगे और अपने डेटा की प्रॉपर्टी को चेंज करोगे, लैंगिट्यूड डेटा किस तरह के चार्ट्स बनेंगे ये आपने यहाँ पे देख लिए, और आपने बाकी विजुलाइजेशन तो हमने कल। अब इसमें एक चीज और आती है, वो तो हमारा डेटा सोर्स है, राइट। अब इसमें लाइव और स्टैक लाइव आपका कनेक्टेड है, स्ट्रिक आपका क्या होगा, सेव करने के बाद में आएगा। हाँ, वो डेटा में अपने टैबलू के सिस्टम में सेव कर देंगे। बट यहाँ की एक प्रॉब्लम है कि मेरा पास डेटा ऑल ओवर इंडिया गया हुआ है, मैं एनालिसिस करना चाहता हूँ सिर्फ दिल्ली का, लेकिन अब मैं रिपोर्ट पे जाके अपनी इस रिपोर्ट पे जाके अगर हम मैं रिपोर्ट में जाके यहाँ यहाँ भी फिल्ट्रेशन का ऑप्शन है, मैं यहाँ फिल्टर लगाऊ तो ये तो फिल्टर को भी चेंज कर सकता है ना सर जी। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा डेटा के अंदर ही इस तरह का फिल्ट्रेशन हो जाए, तो हम इसके यहाँ फिल्टर में ऐड पे क्लिक करूंगा, ऐड फिल्टर। मैंने बोला कि सिटी और सिटी में क्या, तो सिटी में यहाँ पे सिलेक्ट फ्रॉम लिस्ट, कस्टम वैल्यू लिस्ट या यूज ऑल, तो मैंने बोला कि भाई दिल्ली का आना चाहिए, फरीदाबाद गाजियाबाद आना चाहिए, NCR में आता है ना, और यहाँ हमारा नोएडा आना चाहिए, और फिर हमने इसको ओके कर दिया।
तो ये देखिए अब हमारा डेटा चेंज हो गया, हो गया सर जी। लेकिन जब आप एक्सट्रैक्ट कर देते हैं, आप सीट पे जाएंगे, आपसे पूछेगा कि भाई फाइल को सेव कीजिए पहले, तो हमने फाइल को सेव कर दिया। अब यहाँ पे आए, अब यहाँ पे बहुत सारी चीज चेंज हो गया, जैसे कि अगर मैं सिटी देखूं, देख रहे हैं डेटा, दिख रहा है डेटा चेंज हो गया काफी सारा। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, तो डेटा चेंज हो गया आपका। तो मैं यहाँ से मान लीजिए कि प्रोडक्ट हटा देता हूँ, नेम आया, नेम जो आया हमारा है, तो इस तरह से मिक्सअप है। इसमें आपके सामने यहाँ दिख रहा है शॉर्ट का, तो शॉर्ट हम डेटा करते थे, लेकिन हमें चार्ट शॉर्ट करना है तो इसमें शॉर्ट कर देंगे। इस तरह से शॉर्ट असेंडिंग और डिसेंडिंग में आप अपने चार्ट को भी शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी चार्ट में शॉर्ट हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि स्वेप हो जाए, मैंने कि होता है आप एक्सपेक्ट था ना कि स्वेप करना है रो टू कॉलम, कॉलम टू रो, तो यहाँ से आप इसको स्वेप कर सकते हैं। कंट्रोल डब्ल्यू भी है इसका शॉर्ट करना। हाँ, इसमें कर्सर देंगे तो शॉर्ट में पता चल जाता है। जी जी, स्वेप हो जाता है। ठीक है सर, समझ में आ गई, शॉर्टिंग करना, स्वेप करना अपने विजुलाइजेशन को। ठीक है सर, ठीक है। अब मान लीजिए इस पे मुझे कुछ लिखना है टाइटल वाइटल, एक तो यहाँ पे टाइटल लिखने का जगह है हमारे पास, हम लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि टोटल सेल्स पर पर्सन, ओके कर दिया। इसके अलावा कुछ लिखना है तो यहाँ टेक्स्ट दिख रहा है, तो ये टेक्स्ट पे करते हैं, आपने देखा यहाँ पे अटैचमेंट आ गया, ठीक है, ठीक। उसके अलावा इसमें कुछ और चेंज करना चाहते हो, जैसे कि आपने कर्सर पे आ जाता है, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कीप ओनली एक्सक्यूट, ये तो अलग चीज होगी, कीप ओनली एक्सक्यूट अलग होगी, इसमें आता है, अच्छा वो हाँ सॉरी पावर बीआई में आता है, आप कीजिएगा तो टैबलो पावर बीआई सिमिलर है ना, तो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद अगर इसको शो एंड हाइड चार्ट करना चाहते हो, तो यहाँ से आपके इस चार्ट जो है, इस चार्ट से रिलेटेड आपको बहुत सारे, जैसे टाइटल्स को शो करना है हटा देंगे तो शो नहीं करेंगे, इस पे क्या क्या चीज हो सकती है चार्ट पे, शो हो गया। उसके अलावा यहाँ ये कैप्शंस, कैप्शन शो होगा नीचे दिख रहा है आपको, सम ऑफ द अमाउंट है, यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हैं कि सेल ओनली टैली, आने वाले को पता चल जाएगी आखिर हाई की, तो नीचे में एक कमेंट की तरह यहाँ पे दिखेगा। आप फुल स्क्रीन में देखना चाहते हो तो क्लिक करेंगे तो आपका फुल स्क्रीन पे दिखेगा। फुल स्क्रीन में आप सेल पर्सन से, सेल से आपका, और इसके अलावा यहाँ पे आपके क्या दिख रहा है आपका, और यहाँ पे आपकी डेटा का समरी, हमने समरी पे क्लिक किया था ना, जी जी जी, भी यहाँ कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन जैसे आपने उसको फुल स्क्रीन किया यहाँ पे इफेक्ट पड़ गया कि भाई काउंट 9 है और सम कितना ए है आपका, एवरेज आपका ए है, मिनिमम ए है, मैक्सिमम ए है और मीडियन ए है, ठीक है सर, इसकी समरी शो हो जाएगी जब आप उसको फुल स्क्रीन करेंगे। अब इस चार्ट को शेयर करना है आपके ऑनलाइन, ताकि हर कोई देख सके, तो आप यहाँ पे ऑनलाइन टैबलो सर्वर का पाथ दे दीजिए और कनेक्ट, ठीक है डन। राहुल इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, इसमें नहीं सर, चलिए अब मैं एक बार न्यू शीट और ऐड करता हूँ। आप यहाँ पे जो फिल्म जो विजुलाइजेशन है उसको एक बार देख लीजिए, जो आपका व्यू है यहाँ पे आपके तीन चीज आता है, एक डोमिनेशंस, मेजर्स एंड नीचे फिल्टर्स आएंगे, लेकिन हमने भी फिल्टर यूज किया नहीं है, इसे फिल्टर नहीं आ रहा, तो तीन चीज यहाँ पे आपके फील्ड में आएगा, राइट जी।
डेटा विजुलाइजेशन है और ये आपके ड्रॉप सिस्टम, ये आपके मार्क्स है। ठीक है, यहाँ यहाँ से फिल्टर लगा सकते हैं, यहाँ से पेजेस का फिल्टर लगा सकते हैं। ठीक है, इसकी बगल में आप देखेंगे तो आपके पास स्टैंडर्ड आईडी होता है, इसे भी आपके है कि भाई स्टैंडर्ड लाइन चाहिए, एवरेज लाइन चाहिए, मीडियम क्वालिटी चाहिए, या फिर मॉडल में एवरेज विथ 95 या एवरेज मीडियम विथ 95, ट्रेन फोरकास्ट वगैरह वगैरह आप यहाँ यूज कर सकते हैं। जैसे कि इसकी यूज करने में आगे बताऊंगा, जैसे मान लीजिए कि मैंने नेम ले लिया रो में और मैंने यहाँ पे अमाउंट का टोटल लग दिया, राइट। अब एनालिटिक्स में आएंगे तो अभी ये हाईलाइट नहीं है क्योंकि हमने अभी कोई विजुलाइजेशन को सिलेक्ट नहीं किया, मतलब मैंने इसी को सिलेक्ट किया और इसको मैंने स्वैप कर दिया। स्वैप करते ही आप देखिए यहाँ पे आ गया, अब यहाँ पे देखिए क्लस्टर आपको आ गया, तो क्लस्टर को मैंने यहाँ पे डाल दिया, समय अमाउंट आ गया एन ओ के। तो ये जैसे कि कलर कर दिया कि सबसे हाईएस्ट है इसलिए इसका कलर है, क्लस्टर सेम है ना, इसका क्लस्टर मतलब पोजीशन आया। ठीक है, ठीक है, तो इसका यूज हम कर सकते हैं, यहां से क्लस्टर को हटा सकते हैं, यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं यहाँ पे इसके, ये जो चीजें तो मैं इसमें बताऊंगा, ये भी बताऊंगा कि एनालिटिक्स टूल्स में भी बहुत सारी चीजें होती है इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एवरेज लग दिया कि आपका इसका एवरेज लाइन यहाँ पे दिख गया, ठीक, या एवरेज लाइन में यहाँ से हटा देता हूँ, हटा दीजिए। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे अगर कॉन्स्टेंस लाइन रखता हूँ तो ये कॉन्स्टेंस लाइन बताता है एवरेज से नीचे नहीं है, तो एवरेज लाइन भी रख सकते हैं, दोनों एक साथ रख सकते हैं कि पता चलेगा कि एवरेज या के मीडियम विथ क्वार्टर विथ क्या है, ये आपको बता देता है सर। टोटल भी रख सकते हैं, यहाँ पे टोटल का एक कॉलम आ गया ना, यहाँ पे ग्रांड टोटल का, ऐसे ग्रांड टोटल का टोटल आता नहीं है लेकिन टोटल ऐड करना चाहो तो ऐड कर सकते हैं। कि मेरे पास डेट नहीं है, अगर डेट होता या मंथ होता तो यहाँ पे फोरकास्ट भी एक्टिवेट होता जी, क्योंकि फोरकास्ट तो डेट या मंथ के अकॉर्डिंग होता है या फिर एक पीरियड के अकॉर्डिंग होता है, तो पीरियड है नहीं इसलिए हुआ नहीं। एडिटिंग एनालिटिक्स में और ज्यादा इस पे इफेक्टिव कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है सर, और इसकी प्रैक्टिस कीजिए अगली क्लासेस में जी, वो जो है आगे की टॉपिक के बारे में डिस्कस। तो आज मैंने पढ़ाया उसमें मेन टॉपिक आप समझ लिए, सबसे मेन टॉपिक है कैलकुलेशंस, और कैलकुलेशन कुछ खास नहीं किया है पर बताया है कि हाउ कैन कैलकुलेट, बट बहुत सारे फंक्शंस है, बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम आपको आगे क्लासेस में समझाएंगे। डन सर, ठीक है, ओके सर, एडिट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हुआ, तो इसमें फॉर्मूले वगैरह भी आते हैं इसका यूज हम जी जी, तो हम आगे की क्लासेस में आपको समझाएंगे। ठीक है सर, ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, ओके सर, थैंक यू। हाँ सर, मैं ठीक है, बंद कीजिए रिकॉर्डिंग, बात करनी है, रिकॉर्डिंग ये स्टॉप कर दे।